अरे दवाई भंडारण कर रहे हैं अपन तो कारण चाह रही अरे नहीं पर अपन जो भंडारण कर रहे ना नी तो मैं बोरिया वोरा में छणक दे अपन तो पहला अपने केड़ा वेड़ा ने लागे और गेहूँ सड़े भी है नहीं जिस कारण लाया दवाई हाँ अभी अपन पहला तो नहीं छणकता तो गेहूँ खराब हो जाता अपना नहीं भर देता तो ले आया अपन तो छणक के भर रहे तो खराब नहीं होगा अपना गेहूँ तम तो भाई भरेगा चलो ये बात मैं घर बताऊंगा हाँ चलो ये बता दूंगा समझ है नहीं आओ जरे आओ बेटे कितने बताऊं तुम्हें अभी पंप भी लेकर आऊं नहीं कि अपन बोरिया भी इधर ही तो अपन छन के ला अपन बोरिया में छनक के फिर गेहूं भरे ना अपन तुम भी बैठ जाओ ना खड़े आ जाओ जो सामान लाएगा नी और बताऊ तमें कई सामग्री जो लगेगी है एक तो अपने जागा हाथ पैर बगल मोजा और एक मुंह पे बांध दो कपड़ों और एक दवाई चाहिए और एक बोरी अपने और एक पंप की जरूरत पड़ेगी ये पंप है और एक पानी की जरूरत पड़ेगी तो अपने बाल्टी अपने पास फिर यून सब है बोरी में कतरा दन में ओनी दन मलानी अब एक बार हम बताऊंगे नहीं कैसा मलानी हाँ ये बात है बताऊंगा तो देखो हम बता रहे हो सारी कैसा कैसा करना है अपने तो अपने सबसे पहले तो ये दवाई मिलाना था फिर मोजा पहनना पड़ेगा हाथ में मोजा पहन लूं देखो अपन ने एक तो मोजा पहन लिया और एक बांध लिया मुंह पे अब सबसे पहले अपन पानी डाल लेना पंप में तो अपन पहला तो एक तो आधी बाल्टी पानी डाल दे अपन पंप में ठीक है तो पानी डाल दे अपन आधी बाल्टी में अब एक बार अपन दवाई डाल लेना है पंप में कितनी मात्रा में डालेंगे दवाई अपन ये दवाई एक पंप में 25 ml डालेना ये अपने पास नाप बक है ऐसे अपन 25 ml नाप के डालेना तो हाथ में मोजा और ये सब पेन की पूरी सावधानी से अपन है ये दवाई डालनी चाहिए फिर ये दवाई अपन 25 ml नाप के में डाल दें अपन एक पंप में अपन 25 ml डालेना अपन ठीक है नी 15 L पानी में तो ये दवाई अपन डाल दें पंप में वापस अपन ये जो पानी की बाल्टी है आधी और तो अपन डाल देना वापस सब डाल लियो अपन ने अब एक बात अपन बोरी पे स्प्रे करे ना ये पूरी दवाई अपनी मिल गई हमें तो पंप अपन यहाँ रखना उठा के चलो तो यानी एक तो सबसे पहले बोरी अपन उल्टी कर लेना तो ये अपन हमें उल्टी तरह के प्रेशर करेना अब उल्टी जैसे करनी पड़ेगी अपन गेहूँ भरे ना मैं तो भीतर की तरह अच्छे स्प्रे जाओ हमें अब बाहर कर देना तो कोई मतलब नहीं था वही है तो जैसे अपन बोरी उल्टी करके मैं अपन अभी स्प्रे करना है देखो अभी अपन बोरी उल्टी कर ली अब एक बात अभी अपने पूरे स्प्रे करना था कि पूरी बोरी अपनी गीली हो जाए ये अपन ने पूरी बोरी पे स्प्रे कर दो पूरी बोरी गीली होगी अभी अब फिर वापस सनी बोरी अपन ने से यूं करके फिर पलट लेना नहीं ये पे अपन स्प्रे करना तो पूरी गीली हो जाए इधर भी गीली होगी पूरी और कहीं करना पड़ेगा ना बोरी सुखानी उखानी पड़ेगी ये बोरी स्प्रे होगी उसके बाद अपन नानी थोड़ी कहीं थोड़ी धूप में डाल देना ताकि थोड़ी सूख जाए गीली सारी बोरी इकट्ठी तो 5-1 मिनट में अपन सूख जाएगी फिर बाद में भर देना अपन वापस देखो अपन जिस तरह से इस बोरी में जो किया अपन छिड़काव ऐसे अपन जितनी भी सारी जितनी बोरी में गेहूँ भरना है अपने को सभी पे इसी तरह स्प्रे अपन कर लेते हैं है ना दवाई कहाँ से लावा अपन कहाँ से मिले या मार्केट में मिल जाए और ऐसा कोई मतलब अपन ज्यादा महंगी भी नहीं है सस्ती है मतलब और कम दाम अच्छे फायदा मिल जाए अपने गेहूँ खराब भी नहीं हो वैसे और अपन जो डायरेक्ट जो भरे ना तो उसे गेहूँ सड़ जाए और फिर बाद में उसको अपन नुकसान हो जाए तो अपन ये थोड़ी सी मेहनत कर लो अपने को ज्यादा दिक्कत भी नहीं आ तो जैसे बोरी में अपन गेहूँ भर ला और खाबा में उपयोग करा तो फिर वो कहीं करना पड़ेगा देखो खाबा में जो अपन
पर वो ज्यादा अच्छी बात है कि अपने इसको धो के खाओ तो अच्छा है क्योंकि ये सब दवाई मिली रहती है हाँ, तो उसमें अपन को नुकसान होता है, तो अपन धो के साफ करके अपन को उपयोग करना चाहिए। कई नाम है दवाई को? मेलाथियन दवाई नाम है को, जो मतलब कहीं भी दुकान पे मिल जाया। तो ये बोरी अपनी पूरी कंप्लीट हो गई, अब अपन गेहूँ भर सका मतलब। अच्छा। चला तो गेहूँ भरा। देखो तो अपनी ये बोरी कंप्लीट होगी, अब यहाँ पर गेहूँ डालना है हमें, है नी? सूखी गेहूँ पूरा अपने कंप्लीट किया, इनको अपन भंडारण के लिए सुरक्षित इसमें रख सकते हैं अपन। अब ऐसे बोरी अपनी पूरी पैक करके और उनको सिल के और इनको भंडारण के लिए अपन किसी पे हवादार स्थान वहाँ पर अपन इनको जमा देंगे एक जगह पे। तो बाहर से वो भी अच्छी दवाई है यार, अच्छा फायदा। हाँ, बाहर से वो भी मतलब हर गांव में दवाई में छिड़क। हाँ, तो मैं इस दवाई को जो मतलब हर साल उपयोग करता हूँ और इससे क्या अपने गेहूँ सुरक्षित रहते हैं। इस मतलब जैसे बुआई के टाइम तक इसमें बोरी में भरे रहेंगे तो पूरे गेहूँ अपने सुरक्षित रहेंगे। तो अपने को मतलब इससे ज्यादा खर्चा भी नहीं है और फायदा भी अच्छा है, इसको उपयोग करने से आपको भी अच्छा फायदा मिलेगा मतलब। अच्छा, बोरियों के अलावा जैसे अपन कोठियों में गेहूँ भरते हैं उनमें भी इस दवा का स्प्रे कर सकते हैं क्या? हाँ, तो अपन इसके स्प्रे मतलब कोठियों में भी कर सकते हैं, उसमें भी इसको करेंगे तो अपने को फायदा है। बोरियों में जरूरी बोरी में जिसमें भी अपन भंडारण करते हैं इसका स्प्रे अपन कर सकते हैं, तो उसमें फायदा रहता है अपने। हाँ ठीक है, ठीक है।